सर विकास धरातल पर दिखाइए तो विकास हुआ कहाँ है। अगर विकास हुआ होता तो जनता को इन बेफजूल के मुद्दों में नहीं उलझाया जाता। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ आ जाइए, एक महिला बेटी रोकर गई है, एक हमारी दलित बेटी जो DU में 117 दिन से प्रोटेस्ट में बैठी है, जिसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह। उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वह बाबा साहब के संविधान का संदेश बच्चों तक पहुंचाती थी, लोगों तक पहुंचाती थी। एक प्रिंसिपल है जो अराजक तत्व है, जो डॉक्टर सविता राय है, उसने उसको निष्कासन कर दिया। उसे नौकरी नहीं चाहिए, अब न्याय चाहिए। तो ये लोग बेटियों के साथ न्याय देने में असफल हो रहे हैं। एक बार बताइए, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, उनका क्या कसूर है? सिर्फ वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को अंबेडकर के बारे में बता रहे हैं, लोगों को संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये लोग शिक्षा के दुश्मन हैं। जो शिक्षा की बात करेगा, जो अच्छे स्वास्थ्य की बात करेगा, जो लोगों को जागरूक करने की बात करेगा, ये फासिस्ट ताकत है, ये लोग उसको आवाज़ को दबाएंगे। आप मिसाल के तौर पर सुनिए, एक UP के कद्दावर नेता है जिनका नाम है मोहम्मद आजम खान, उन्होंने एक इदारा बनाया मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। उस व्यक्ति का क्या कसूर है कि उसको 250 से प्लस उसके परिवार पर मुकदमे हैं। पूरे अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ आज जेल काट रहा है पिछले 2.5-3 साल से। दूसरी तरफ आ जाइए, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो काम बहुत ही सराहनीय है। उसको क्या इनाम मिला? उसको भी जेल में डाल दिया। पौआ के साथ में पौआ नहीं फ्री दिया। और आजम खान की जिसकी बातें कर रहे हैं आप, क्या कराया उसने? क्या कराया उत्तर प्रदेश के लिए? क्या कराया बताइए आप? क्या कराया उसने? मंदिर बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का राम राम रखती थी। देखिए, सुनो, आजम खान की बातें कर रहे हैं। देखो, इन्हें पूरे मुकदमे नहीं है। सुनो, इन्हें तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्त है। इनकी अंधभक्ति की कहीं तबाही नहीं है। ये अंधभक्त है, इनको तबाह होते हुए दवाई नहीं दिखती, और ये अंधभक्त है, इनको अंधभक्ति की दवाई नहीं मिलती। आइए, आप मुर्गी चुराएगा वो, इतना बड़ा लीडर, इधर आइए, इतना बड़ा नेता मुर्गी चुराएगा? आजम खान, आजम खान DM की माँ को गाली दे रहा था, तब क्या सुनाई दे? उसकी माँ पे लात मार रहा था, उसके कोख पर लात मार रहा था, DM का क्या कसूर था? जरा उनके वीडियो देखना, कई तनखैया है, इन सजा में जूते साफ कराऊंगा। उसकी सजा मिल तो रही है उसे, उसकी सजा मिल तो रही है उसे। देखिए, आजम खान ने अगर DM को अपमानित किया, उसकी सजा मिल रही है, लेकिन 250 मुकदमे जो निराधार है, बेबुनियाद है, वो इतना बड़ा नेता जो 1980 से MLA, मुर्गियां चुराएगा, बकरियां चुराएगा, किताबें चुराएगा? देखिए साहब, ऐसे लोगों की मानसिकता और ऐसे लोगों का ही जो आज देश इस कगार पर खड़ा है, इन्हें महंगाई नहीं दिखेगी, इन्होंने अंधभक्ति का चश्मा लगा लिया। एक बात बताइए, अब सवाल देश की मीडिया पर आ जाता है, पूरी मीडिया, गोदी मीडिया और BJP पानी पी पी कर जाटों का मुद्दा उठा रही है कि धनखड़ जी की मिमिक्री जाटों को अपमानित किया। साक्षी मलिक जाट नहीं है, उसके लिए एक भी डिबेट की? तो ये होता है गोदी मीडिया। सर देखिए, सत्यपाल मलिक जाट नहीं है, उसने 370 हटाने में इनकी मदद की, उसको इन्होंने उसके पीछे इनाम लगा दिया, उसको बंगला खाली करा दिया, उसके पीछे CBI लगा दी, तो वो जाट नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता लोभी लोग हैं जो भगवान श्री राम जी का नाम इस्तेमाल कर सत्ता में आए तो देश की आवाम फिर क्या है, जो राम का नाम लेकर सत्ता राजनीति करती है। हम भारत के नागरिक हैं, हमें सवाल पूछने का और अपनी बात रखने का संपूर्ण अधिकार है। जो ये जाति जाति कर रहे हैं, अगर ये जाति के इतने अगर हितैषी होते हैं, इन्हें लगता है जाति का अपमान हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि जाति मतगणना होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ है इसके तो BJP और RSS खिलाफ है, और खिलाफ भी क्यों ना हो, आज तक कोई 100 सालों में कोई दलित जो है RSS का अध्यक्ष नहीं बना। ये जाति जाति जो ज्यादा ये करते हैं। दूसरी बात, ये आप अगर अध्यक्ष बना लेते हैं उसका कुश्ती संघ का, तो आप किसी और भी ठाकुर को बना सकते थे। आपको अगर ठाकुर का इतना ये है कि ठाकुर से हम वोट लेंगे, ठाकुर वोट बैंक है, अरे राजनाथ सिंह भी ठाकुर है, योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर है, अरे उनके उससे ठाकुर का वोट आएगा ना।